देखिए आज 5 मई 2023 है, आज 6 मई 2023 है। मैं यहाँ चित्रकूट में हूँ, नृत्य के साधन तो लोगों को आना जाना लगा हुआ है। तो हमारे जिला जालौन कालपी से आए हुए हमारे जितेंद्र सिंह यादव, पुष्पेंद्र सिंह यादव और भी उनके साथ में जो लोग हैं वो लोग आए हुए, हमारी बातों को सुना तो बड़े प्रभावित हुए, उनको अच्छा लगा। तो हमसे मिले जुले बातचीत हुई, तो बातचीत के दौरान इन लोगों ने ये चाहा कि बाबा जी हम एक बन सकते, हम आपकी बात को अपने इलाके में हम उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है कि हर अच्छे आदमी को छिपा दिया जाता है। इतनी गुलामी अंग्रेजों की झेले, मुगलों की झेले और फिर भी आज अकल नहीं आई। इन लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि पूरे विश्व को श्याम साधु ने चैलेंज किया है, हिंदुस्तान छोड़ो, यूपी और निपोरा छोड़ो, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता है एक हिंदुस्तान का आदमी और वहाँ का नेता जानते हुए उसको छिपाता है। आप हम देश की जनता आपको महान क्यों कहेगी, क्यों आप महान कैसे हो गए? आप लोग केवल नेता लोग उनकी बुराई वो करते हैं, उनकी बुराई वो करते हो, जनता क्या कहती है ये तो बोलो। बंद उसको आप करेंगे तो दोबारा बोलेंगे। तो अच्छे को अच्छा ही लगता है, इनमें अच्छाई थी। ये यदुवंशी हैं, तो बातचीत के दौरान जब चर्चा हुई तो इन लोगों की सुनकर बड़ा ताज्जुब लगा। हमने कहा बेटा अगर जातवाद का चश्मा तो है ही है, तो हम तो नाम के आगे से भले जात को हटा दिए लेकिन आधार में तो हमारे लिखे हुआ है। बंदर को थोड़ा दिखा दीजिए, नल से पानी पी रहा है। हाँ 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 देखिए प्यास लगी है, नल खुद खोल के पी रहा है। हल्का सा जब एक बूंद टपकता होता तो वो ज्यादा पीता भी हल्का सा खोल दिया जाए। नहीं चल रहा, हल्का हल्का चला था। वहाँ मत जाइए, अगर आप जाएंगे तो भाग जाएंगे। आप इधर आइए, जहाँ आप आगे बढ़े नहीं तो गया। इधर आइए आप, कॉल चालू कर दीजिए। किसका आ रहा है? कॉल चालू कर दे, वो खुद समझ जाएगा कि किसी मीटिंग में है, उठा लेना आपकी बात। बात तो माहौल ये आया, बात की बात ही बात बात निकलने लगी। तो हमने कहा मेरा देखिए अगर कृष्ण सुदामा की मैत्री तो पक्की बात है, यदुवंशियों का ब्राह्मण की जो यदुवंशियों ने ब्राह्मणों को दान किया है वो ब्रह्मांड में आज तक कोई नहीं दे पाया, कोई नहीं दे पाया। तो हर बातों को बूढ़े हनुमान है इस समय, है ना। अब देखिए परसों रात में हमने टमाटर इनसे मंगवाया, कल भी टमाटर 2 किलो मंगवाए, आज फिर अभी मंगवाएंगे। तो ये बताइए सतलुज के हनुमान हैं दारू, तो इनकी सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी की आप पूजा करो लेकिन हनुमान जी को लड्डू न खिला के आप इनको खिलाओ। आप क्यों खाते हो? आपने खाया और दूसरों को बांट दिया और बंदर भूख से बैठा हुआ है, तो ये गलत बात ही नहीं है। तो बात ही चीज का दौरान जब बात खुली तो हाई कोर्ट पटना और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इतनी बड़ी हस्ती स्वर्गीय बी एल यादव जी रायबली जब आए थे तब इन्होंने हमको चन्नी की माला पहनाई। दैनिक जागरण में है फेसबुक पर, वो न्यूज मिल जाएगी। चन्नी की माला पहनाई, महामानव की उपाधि दी मुख्य न्यायाधीश। वहीं कमला यादव, श्रीमती कमला यादव, उन्होंने बड़े सम्मान दिलवाए। बाबू विद्याशंकर यादव ने बड़े बड़े सम्मान दिलाए। तो जितना सम्मान देना और दिलाना था वो यदुवंशियों ने क्यों दिया? और लोग मर गए हैं क्या? और पार्टी भाई कोई जिंदा नहीं है क्या? हमको तो चाहिए नहीं, उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। आज भी इनको जितेंद्र जी को इनको ताज्जुब हुआ कि हमने कहा भैया आज मेरा नार्को टेस्ट करा दिया जाए, ठीक, अब लाखों रुपए की हार जीत लगाओ। अगर नार्को टेस्ट में मैं कह दूँ यहाँ हमको राष्ट्रपति सम्मान मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, तो हमको उसी समय गोली मार दिया जाए। बिल्कुल समझ गए बात करें। अच्छा
नहीं कहीं पर बात करना तो कर देना, जरूरी बात करना तो। कुल मिला करके ये होता है कि भाई जो आदमी अच्छी बात को आगे बढ़ावे, तब इनको कैलेंडर भी अपना दिया उस इलाके, और कैलेंडर छाप करके एक अन्नपूर्णा जी हैं, अन्नपूर्णा है वो कबीर कबीर पंथ से जुड़ी है, हजारों रुपए का कैलेंडर उन्होंने बना के भेजा, तो अच्छा काम करने वाले भी लोग पड़े। अस्पताल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अस्पताल के बारे में यहाँ जो अन्न की बर्बादी जो जनता करती है उसको नहीं करना चाहिए, वहाँ पाप है, क्योंकि ये दान के पैसे से काम हो रहा है, कोई दान कर रहा है और आप उसका दुरुपयोग करें। कामतानाथ जी का प्रसाद भी है ये। हाँ, तो और ये तो जगन्नाथ, जिसको मैंने कहा है कि ये जगन्नाथपुरी एक महाधाम है, चित्रकूट धाम में ये महाधाम है, जहाँ पर की कितनी बड़ी सेवा हो रही है, कि आँख ऑपरेशन भी कर रहे हैं, भोजन भी दे रहे हैं, सवारी भी दे रहे हैं, इससे ज्यादा कौन करेगा, कोई नहीं। तो यहाँ पर हमको यहाँ के चीजों की कदर करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ की ये हैं शौचालय वगैरह, जिसके बारे में भी हम राय देंगे कि स्टील का हल्का वाला जंजीर, ऐसा जंजीर लगा हो कि कोई खोल न सके। अब जंजीर मग्घा मग न होने की वजह से तमाम आदमी जाते हैं लैट्रीन की और पानी नहीं डाला, प्लास्टिक का डिब्बा रखते हैं, तो अक्सर लोग प्लास्टिक का डिब्बा उठा ले जाते हैं, गायब कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और सुनिए, पोछा एक बार लगे, दो बार नहीं, लेकिन यहाँ तीन बार सफाई होनी चाहिए, ये हमारा सुझाव है। दूसरी बात, दरवाजे में ऊपर जाली होनी चाहिए ताकि अंदर की गंदगी बदबू निकल जाए। इसमें क्रांस वेंटिलेशन बोलते हैं, किसी भी लैट्रीन में एक तरफ से हवा आवे और एक तरफ से हवा निकल जाए, आमना सामना हो, टक्करी हो, और अगर बंद है तो वहीं की बदबू गैस सब वहीं टिका रहेगा। ये हमारा एक सुझाव है कि लोग जो दान करने वाले हैं कृपया इधर भी ध्यान दें। और बाकी यहाँ की जो व्यवस्था है, जो ट्रस्ट कर रही है, अभी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, सदगुरु ट्रस्ट वाले जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं वो पूरे विश्व के अंदर उनको लोग जानते हैं। तो मैं पानी को विराम देना चाहूँगा, और यहाँ हमारे साथ के यदुवंशी लोग जो आए हैं, उपेन जी हैं, जितेन जी हैं, ये इस बात का वहाँ लोगों में प्रचार करेंगे कि इस बाबा से कुछ सीखो, कुछ करो, कुछ करो, कि बाबा को ना पैसा चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, इससे सीखो, कुछ करो और गर्व करो अपने इलाके में, लोगों को चैलेंज करो कि भाई कोई बाबा जी, हम तो सीखना चाहते, कोई बाबा हो हम सीखेंगे, हम उनको कुर्सी में बैठाएंगे और हम जमीन में बैठेंगे, हमको सिखाओ भैया, तो हमसे सीखो या तो आप हमको सिखाओ, कोई गलत बात तो है नहीं। और जितने बाबा स्वामी जी पैसा बो दक्षिणा लाओ माला पहनो, इतने थप्पड़ घसीट चमकाओ, बाबा बाबा का मतलब वो है कि रात में परसों रात में लोगों का जूठा सबका खाया हुआ मैं रोटी बिन रहा था, फिर के हमने यहाँ फेंक दिया कि सुबह बंदर खा लेंगे, क्यों तो वो डब्बे के अंदर पलट दिया जाता है, अब बंदर उसने रोटी गीली होती है तो बंदर ठीक से नहीं खाता, तो सबका जूठा मैंने छुआ कि नहीं छुआ। और जात से मैं ब्राह्मण हूँ और जमींदार परिवार का, और लागे लगाए वाले ब्राह्मण नहीं है कि मरो तो लाओ, जिंदा हो तो लाओ, सब सब नाम से आगे सिर्फ श्याम साधु लिखा, जात को हटाए, हम तो दुनिया को सिखाना चाहते हैं। अब यहीं के साथ देख रहे हैं सुबह रॉब में, ओए वीडियो में, अरे क्यों ने वीडियो बना में भाई, हम तो यहाँ की बड़ाई कर रहे हैं, हम लोगों जनता को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे देश में कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसको रोकते हैं, टांग खींचते हैं। तो मैं बाड़ी को विराम देता हूँ और सारे यदुवंशी समाज को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री राम काज।